फरीदकोट पुलिस का नवा घर। बिना पैसे दिते ही स्टाल तो चुक के लै गए पटाके। एसएसपी फरीदकोट ने विभागी जांच दे दिते हुक्म। फरीदकोट पुलिस का दिवाली वाले दिन एक नवा कारा देखने को मिले। एक वीडियो वायरल हो रही है जिस फरीदकोट पुलिस के मुलाजम एक गैर कानूनी स्टॉल को रोकते हैं। एक मुलाजम जिहड़ा कि है स्टॉल के मालक नाल गल करन लग जांदा है तो दूजा उसके स्टॉल तो चुप चुपीते पटाखे चकने शुरू कर दिंदा है। पटाखे चुक चुक के सरकारी गड्डी विच रखना शुरू कर दिंदा है। बाद विच उसनू कोई भी पैसा नहीं दिता जांदा तो उत्थों चले जांदे ने। दस्या जा रहा है कि पटाखा विक्रेता जिसने अपना स्टॉल लगाया हुआ सी उस कोल पटाखे वेचण दा लाइसेंस नहीं सी, जिस कारण पुलिस उस कोल पहुंची सी पर बिना पैसे दिते ही उसके स्टॉल तो पटाखे चुक के लै गए। ना कि उसका कोई चलान किया गया तो ना ही उस उत्ते कोई होर कार्रवाई की गई, तो फ्री में ही उसके पटाखे चुक के लै गए। बाद च दसे जा रहा है कि एसएसपी फरीदकोट ने उन्होंने खिलाफ विभागी जांच के भी हुक्म दिते ने। तुम दस दिए कि तुम अपनी स्क्रीन पर जड़ी वीडियो देख रहे हो ये फरीदकोट की है, तो इस देखी जा रही पुलिस भी फरीदकोट की है। तो यह फरीदकोट के बाजार से पुलिस घूम रही थी, उत्थे एक गैर कानूनी जिहड़ा कि पटाखों का स्टॉल लग्या होया सी। पुलिस उत्थे जा के रोकती है, एक मुलाजम पटाखों के स्टॉल के मालक के नाल गल करनी शुरू कर देता है तो दूजा मुलाजम पटाखे चुकने शुरू कर देता है। तो पटाखे चुक चुक के अपनी सरकारी गड्डी विच लदनी शुरू कर देता है। बाद विच कहा जा रहा है कि एसएसपी फरीदकोट ने विभागी जांच के भी हुक्म दिते ने। पुलिस से भी कई तरह के सवाल उठते हैं कि पुलिस नूं लोगों की सेवा लिए रखा जाता है, जेकर पुलिस ही अजिहे काम करन लग जाए तो किसी होर ते तां की भरोसा किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, चढ़दी कला टाइम टीवी।